सारा आप तब तक ड्राइंग खत्म करो, कलर प्रोसेस बहुत इजी है, कंटिन्यू करना उसके बाद। ओके मैं ना बॉक्स बॉर्डर में ना थोड़ी देर बाद बनाऊंगा, पहले मैं ओके जल्दी से फाइन। ड्राइंग बना हाँ लेती हाँ हूँ। हाँ फटाफट ड्राइंग बना लो, साइड में स्पेस छोड़ देना। ओके चलो वापस से देखो, हम लोग ब्लैक यूज करेंगे अभी। हर जितने भी ऑब्जेक्ट है सब में हम लोग ब्लैक पहले यूज कर रहे हैं, ध्यान में रखना ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑरेंज दिख रहा है यहाँ पे भी हल्का सा ब्लैक को यूज करेंगे। बहुत हल्के से, उस दिन जैसे दिखाया था मैंने, इतना ही हल्के से आपको ब्लैक को यूज करना है, सिर्फ बॉटम पार्ट पे इतना ही ठीक है। और एक ही साथ चलो ये पियर का जो शेप है इसको भी कलर कर लेते हैं थोड़ा ब्लैक से, ये नीचे वाले हिस्से में थोड़ा ब्लैक दे देते हैं। इतना ही ठीक है। इसके बाद लेते हैं ब्राउन कलर। ब्राउन कहाँ यूज करना है बता सकते हो? अभी अभी ब्राउन कहाँ अप्लाई करेंगे? ये फ्रूट में कहाँ ब्राउन अप्लाई करेंगे? सेम प्रोसेस जाएगा, इसमें कैसे किए थे? हाँ ब्लैक के ऊपर, करेक्ट। ब्लैक के ऊपर पहले ब्राउन अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम लोग ऑरेंज ऐड करेंगे, करेक्ट। तो हर बार वही करेंगे, इसमें भी थोड़ा ब्राउन अप्लाई कर दिया डार्क शेड दिखाने के लिए। और यहाँ पे कुछ लाइंस है, उस लाइंस को डायरेक्ट से ब्राउन से कर रहे हैं अभी। इतना ही ब्राउन करना है, ज्यादा नहीं ठीक है। अभी जो पियर है इसमें भी थोड़ा सा ही ब्राउन को ऐड किया। तो नेक्स्ट कलर हमें लेना है ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज ये पियर के जहां पे ब्राउन खत्म हुआ था उसके नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग यूज करने वाले हैं, थोड़ा सा ही यूज करेंगे। इस फ्रूट पे भी शाइन इफेक्ट दिखाना है ठीक है, तो पूरे फ्रूट को एक जैसा कलर नहीं करना है हमें। चलो ये ऑरेंज पे भी थोड़ा थोड़ा बोलो। मैं स्केल यूज कर सकता हूँ उसके स्केल किस लिए बेटा? लाइंस बनाने के लिए नहीं, पॉट फ्री के। ठीक हैंड फ्री हैंड फ्री हैंड लाइंस बनाने के लिए स्केल यूज मत कर। सिंपल है मिस, लाइन है, हाथ को फ्री चलो हो। ठीक है मिस। नेक्स्ट अभी कुछ स्पेस रखेंगे हम लोग व्हाइट के ओह लिए, तो उसको गॉड, ड्रॉ कर लेते हैं। क्या हुआ? ये जो जगह हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे शाइन इफेक्ट दिखाना है, तो इसलिए ये स्पेस को छोड़ना है कंप्लीटली ठीक है। और बाकी एरिया में येलो कलर को फील कर दे रहे हैं।
तुम लोग लेकिन फिंगर मर्जिंग मत करना बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों को मैं अलग सिखा रही हूँ ऑयल पेस्टल, ठीक है, बिल्कुल फिंगर मर्जिंग मत करना इसमें। मिस मिस मेरे स्कूल में ना एक जन ने फिंगर हाँ ओके, अभी देखो यहाँ पे और एक शाइन देना है, यहाँ पे और एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। दिख रहा है, इतना लाइन ड्रॉ कर दिया और बाकी एरिया को येलो कंप्लीट कर दो। ठीक है, तो दो फ्रूट बन गया, अभी हो जाए तो बताओ। फिनिश ओके वेरी गुड, तो आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं ये जो पर्दा है इससे, ठीक है, इसको ग्रे कलर करना है हमें, लेकिन ग्रे करने के लिए हम पहले ब्लैक को यूज करेंगे शेड के लिए, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, बहुत लाइटली, जैसे बाकी फ्रूट्स में भी बना रहे थे ना वैसे ही। ये जितने लाइन दिए थे वो लाइन के पास ही थोड़ा थोड़ा इसको स्प्रेड करेंगे ब्लैक को। ठीक है, ब्लैक डन, और नेक्स्ट व्हाइट। तो मिक्स इट विथ व्हाइट, इतना हो गया। जस्ट ड्रैग द कलर ओवर दिस ब्लैक कलर, ठीक है, क्योंकि हमें ग्रे चाहिए, ग्रे एंड व्हाइट दोनों कलर ही चाहिए इसमें, इसलिए वो कलर को ब्लैक के ऊपर से ही चलाना है पहले। जहां पे ऐसे ब्लैक भी हो उसके ऊपर से ही व्हाइट को ऐड करो। शेप वाइज कलर को रैप करना। ब्लैक का थोड़ा सा भी पार्ट दिखना नहीं चाहिए जब मर्ज हो रहा है तो, ठीक है, पूरा ग्रे हो जाएगा। और जितने हमने कर्व लाइन बनाए थे वो कर्व लाइन के हिसाब से ही जाएंगे हम लोग, वो कर्व लाइन को ही फॉलो करते हुए जाएंगे कलरिंग में।
जगह छोड़ दिया, एक सेकंड, पार्ट थोड़ा छोड़ दिया। डन, ग्रेट। यस, सो टेक लाइट ग्रीन एंड व्हाइट फॉर बैकग्राउंड। कलर थोड़ा संभल के यूज करना ताकि हाथ का स्टैंप ना आए, क्योंकि कलर करते हो इसके ऊपर से जब जाओगे, हाथ को थोड़ा ऊपर रखो, ठीक है? हाँ, पूरा कलर करके भरना नहीं है, हम लोग हल्का करके छोड़ देंगे इसको। लाइट करना, स्टार्टिंग में थोड़ा डार्क रहेगा, फिर लाइट हो चला जाएगा। पॉट के आउटर लाइन को ध्यान में रखना ताकि उसके अंदर कलर ना जाए। वन सेकंड, हेलो। हाँ सर, हाँ सर, बोलिए। सर मिस हाँ बेटा, अरे कॉल आ मैं गया था। अभी आउटलाइन कर सॉरी, सकता हूँ। आउटलाइन कुछ नहीं करना है इसमें, डायरेक्ट हम लोग कलर से किए हैं, कोई आउटलाइन नहीं करना है इस पर, ठीक है? हाँ बताओ। पॉट में कौन सा कलर यूज करना है? फर्स्ट स्टार्टिंग में ब्लैक यूज हुआ है, ब्लैक के बाद ब्राउन, ठीक है? अभी तक हम लोग वही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। वेरी गुड, अभी अभी तक हम लोग वही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? पहली बार हम लोग डार्क टू लाइट यूज कर रहे हैं, ठीक है? मतलब ब्लैक को यूज कर रहे हैं। जनरली मैं ब्लैक आप लोगों को मना करती हूँ, लेकिन इस पर हम लोग कोई आउटलाइन नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसको और थोड़ा डेवलप तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? जिसके लिए जो डार्क शेडेड एरिया है, स्टार्टिंग में हमने ब्लैक यूज किया है,
फिर ब्लैक यूज होने के बाद जितने डार्क एरिया दिख रहा है ना सब में लाइटली, अभी पर्दे में कैसा किया था, बहुत लाइटली ब्लैक को यूज किया था, देखा था वो आपने? हाँ या ना? अच्छा, तो उतना ही बहुत लाइटली आपको ब्लैक यूज करना है, फिर ब्लैक के ऊपर से ब्राउन को चलाना है एक बार, ठीक है? ब्राउन चलाने के बाद सोचो, स्टार्टिंग में ब्राउन को अच्छे से चलाए जहां पे ब्लैक था, डार्क करके चलाए, फिर जितना वो सामने की तरफ आ रहा है ब्राउन का पकड़ हल्का कर देना ताकि ब्राउन थोड़ा लाइट आए, लाइट दिखे, ठीक है? तो फिर जो ब्राउन लाइट हो गया, फिर क्या करना होगा, नेक्स्ट कलर आएगा ऑरेंज कलर, तो वो लाइट ब्राउन वाला हिस्से के ऊपर आप ऑरेंज को यूज करोगे, और ऑरेंज यूज करने का भी प्रोसेस वही रहेगा, ऑरेंज धीरे धीरे लाइट होता जाएगा। फिर देखो ये व्हाइट स्पेस को कंप्लीट छोड़ना है, ठीक है? ये व्हाइट स्पेस कंप्लीट छोड़ने के बाद बाकी जो एरिया रहेगा सब जगह पे येलो यूज हुआ है, ठीक है? कलर प्रोसेस पे डाउट है, मैं छोटा सा एक डेमो दे देती हूँ आपको कलर को कैसे यूज करना है। सोचो ये आइसक्रीम को मैं कलर करके दिखाती हूँ, तीन कलर पे, वही तीन चार कलर पे, जस्ट वेट। हाँ मैं अभी बता देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ऑरेंज कहाँ गया? ऑरेंज एंड येलो, ठीक है? चलो ये सारे कलर जो मैं बता रही थी वो एक बार समझ लो। जैसे पॉट का मैंने बताया था आपको वन साइड डार्क, तो वो डार्क हिस्से में हमने पहले इस टाइप से ब्लैक को यूज किया है, ब्लैक के बाद ब्लैक के ऊपर हमने ब्राउन को यूज किया है डार्क करके, ठीक है? पहले स्टार्टिंग में डार्क यूज किया है, उसके बाद ब्राउन को धीरे धीरे थोड़ा लाइट छोड़ा है। ये लाइट छोड़ने के बाद हमने ये लाइट पार्ट के ऊपर ऑरेंज को यूज किया है अच्छे से। पहले देखो कोई भी व्हाइट लाइन नहीं रहेगा बनाते वक्त, ठीक है? ये हो गया ऑरेंज, फिर ऑरेंज भी धीरे धीरे जितना सामने आएगा उतना लाइट होता जाएगा, ओके? और फिर एक जगह पे जहां पे ब्राइटनेस दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है, वो जगह को हमने एक कलर से ड्रॉ कर लिया है, येलो कलर से। कॉन्सेप्ट को समझो बस, ठीक है? फिर बाकी हिस्से में ये जो ऑरेंज का लाइट लाइट एरिया था उसके ऊपर से हम लोग येलो को अप्लाई किया है, और ये व्हाइट स्पेस को कंप्लीट छोड़ दिया है। समझे? तो आपके कलर प्रोसेस कुछ ऐसा रहेगा पॉट पे, ठीक है? इनफैक्ट सारे ऑब्जेक्ट पे वैसे ही है, ब्लैक जो भी कलर दिख रहा है ना वो कलर स्टार्टिंग में ब्लैक यूज हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट कलर, कलर के डार्कनेस के ऊपर डिपेंड करता है वन बाय वन हम लोग कौन सा कलर यूज कर रहे हैं, ओके? तो आते हैं चलो नेक्स्ट, अभी अभी आप स्टार्ट करो नेक्स्ट कलर। ये व्हाइट ऐड किया क्या आपने ऑलरेडी बैक साइड में? पीछे हाँ पीछे के साइड में जहाँ पे हमने ग्रीन यूज किया ना, तो उसके ऊपर थोड़ा व्हाइट को भी अप्लाई करो, तो कलर थोड़ा ब्राइट आएगा, देखने में अच्छा लगेगा, सॉफ्ट आएगा। ग्रीन के ऊपर थोड़ा व्हाइट अप्लाई इसके करो, ऊपर व्हाइट थोड़ा ठीक सॉफ्टनेस दिखाने के लिए। ठीक है, ऐसा सॉफ्ट थोड़ा होना चाहिए, ये व्हाइट व्हाइट जो डॉट दिखते हैं वो नहीं दिखना है बिल्कुल भी। मुझे लग रहा है थोड़ा ग्रीन और थोड़ा देना चाहिए।
मैं ऑर्थो और ग्रीन अप्लाई करूँ, बहुत खाली लग रहा है नहीं तो।